नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। कहते हैं कि राजनीति में कोई भी मुलाकात बेमतलब नहीं होती और यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके ओम प्रकाश चौटाला से होती है तो इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ज़रूर ही इस मुलाकात के पीछे कुछ मंतव्य है, कुछ तो ऐसा है जिसको लेकर ये मुलाकात इस दफे भी एक बार फिर से बंद कमरे में हुई है और 2 घंटे तक पूरी ये मुलाकात चली। अब इस मुलाकात के क्या मंतव्य हो सकते हैं, क्या इसके पीछे के राजनीतिक मायने हो सकते हैं, वो हम आपको समझाते हैं। भले ही इस मुलाकात को एक बार फिर से शिष्टाचार मुलाकात का नाम दिया गया हो, जैसे कि हर एक राजनीतिक मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात ही नेतागण की तरफ से बताया जाता है, लेकिन इन सब के बीच कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो इस मुलाकात को लेकर भी सामने आ रही है। क्या है वो बातें, हम आपको बताते हैं। राजनीति में कुछ भी बेमतलब नहीं होता, हर मुलाकात का कोई ना कोई मंतव्य छिपा होता है, भले ही उसे शिष्टाचार या कोई और रूप दिया जाए। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रविवार को हुई मुलाकात को भी इसी राजनीतिक मंतव्य की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी माने जाने वाले दोनों मित्र नेता बंद कमरे में घंटों साथ रहे, भोजन हुआ, राजनीति पर चर्चा हुई। चौटाला की रणनीति है कि उनके तीसरे मोर्चे की परिकल्पना को साकार करने के लिए नीतीश कुमार उसका नेतृत्व करें। हालांकि नीतीश ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। नीतीश कुमार इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के गुरुग्राम स्थित आवास पर मिलने खुद पहुंचे। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव डॉक्टर केसी त्यागी इस मुलाकात के सूत्रधार बने। जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में 10 साल की सजा पूरी कर चौटाला जब जेल से बाहर आए तो त्यागी उनसे मिलने गए थे। उस समय चौटाला की बाजू में फ्रैक्चर था। त्यागी और चौटाला ने उस समय साथ साथ भोजन किया और दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। त्यागी ने वहीं फोन पर चौटाला से नीतीश कुमार की बात कराई। उसी समय नीतीश कुमार ने चौटाला का भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। तब संभावना जताई जाने लगी थी कि सरकारें बनाने और बिगाड़ने में माहिर चौटाला जेल से बाहर आने के बाद चैन से बैठने वाले नहीं हैं। दोनों नेताओं ने मुलाकात का दिन भी बहुत सोच समझ कर रखा। रविवार को फ्रेंडशिप डे था। नीतीश कुमार अपने पुराने दोस्त के लिए शॉल लेकर आए, शॉल ओढ़कर उनका सम्मान किया तो अभिभूत चौटाला ने नीतीश कुमार को अपने हाथों से भोजन परोसा। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला और जदयू नेता केसी त्यागी भी इस मुलाकात के गवाह बने। अभय के बेटे करण चौटाला ने नीतीश की अगुवाई की। दरअसल तीसरे मोर्चे का गठन चौटाला की तरफ से किया जाना है और यही वजह है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और अपने इस मकसद में वो नीतीश कुमार को शामिल करना चाहते हैं। केसी त्यागी से मुलाकात के बाद चौटाला ने जिस दमखम के साथ ये बयान दिया था कि वो भाजपा व कांग्रेस के विरुद्ध दूसरे मोर्चे का गठन करना चाहते हैं, तभी से लग रहा था कि चौटाला कुछ ऐसा करेंगे जिसके जरिए न केवल इनेलो के काडर बेस कार्यकर्ता को दोबारा पार्टी में पूरी मजबूती के साथ जोड़ा जाए, साथ ही पोते दुष्यंत चौटाला के जननायक जनता पार्टी बनाकर भाजपा के साथ खड़े होने के फैसले पर भी सवाल उठाए जा सके। चौटाला अपने पोते दुष्यंत की ज्यादा चर्चा भी नहीं करना चाहते, लेकिन पार्टी और परिवार में बिखराव से हुए नुकसान की भरपाई में पूरा दमखम लगा देना चाहते हैं।